नमस्कार, पब्लिक पुणे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हां, भाभी देवे के साथ खाने में यह काम करती थी, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हां, रोपी का कहना है कि भाभी से पीछा छुड़ाने के मकसद से उसने जान से मारने की नीयत से भाभी पे हमला किया। रोपी अर्जुन ने पुलिस के कब्जे में बताया कि वह अपनी भाभी रीता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और रिश्ते से तंग आकर उसने भाभी को जान से मारने की नीयत से गंभीर रूप से घायल कर दिया और कमरे को बाहर से बंद करके भाग खड़ा हुआ। मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले अर्जुन नाम के आरोपी ने बताया कि भाभी इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए तांत्रिक के कहने पर हर रोज उसे खाने में अपना खून मिलाकर देती थी, लेकिन वह इस रिश्ते को समाप्त करना चाहता था, जिस कारण से 22-23 जून की रात को नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में रहने वाली भाभी पर झगड़े के बाद जान से मारने की नीयत से पत्थर से हमला करके उसे मरा समझ के मौके से फरार हो गया। आरोपी के अनुसार उसकी भाभी उसे बहुत अधिक प्यार करने लगी थी और उसे वंश में बनाए रखने के लिए उसने साधु बाबा के कहने पर तंत्र मंत्र पारम करते हुए पिछले एक वर्ष से अपना खून मेरे खाने में मिलाकर मुझे पिलाना आरंभ कर दिया। इस हरकत के लिए मना करने पर बहन नाराज हो जाती। मैं उसकी इस हरकत से बहुत दुखी हो गया, इसलिए मैंने यह सब किया। इस तरह पुलिस पहुंच हमलावर तक। दूसरे हमलावर के फरार होने पर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नरेला पुलिस ने घायल मिली औरत को अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को औरत के कमरे में एक मोबाइल फोन का खाली डिब्बे पर IMI नंबर लिखा मिला, जिसके नंबर का मोबाइल फोन प्रयोग करने के बाद देहरादून जाकर बंद कर दिया गया था। पुलिस ने उसी के जरिए मोबाइल प्रयोग कर रहे व्यक्ति का फोटो खोज निकाला। फोटो पड़ोसियों को दिखाने पर पता चला कि उसका नाम अरुण है, जो बाद में पड़ोसियों तक अपना नाम गलत बताने के कारण गलत निकला। किसी की कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आरोपी की पहचान करने में सफल हो गई और आरोपी तक पहुंच गई। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, जरूर कमेंट कीजिए।